तो मैं हूँ आपकी दीदी प्रियंका और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम पढ़ेंगे आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने फ्यूचर परफेक्ट पढ़ लिया, हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ लिया, हमने सिंपल फ्यूचर पढ़ लिया। अब ये हमारा फोर्थ पार्ट है जिसे हम कवर करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस का। इससे पहले भी हमारी वीडियो बन चुकी है इससे पहले वाले टॉपिक्स में, वो आप जरूर देखें ताकि आपको वो इस वीडियो में भी हेल्प करे। तो शुरू करें, आज भी हमें खूब सारे मीम्स दिखेंगे जो मैंने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है? तो मजे करते रहे, पढ़ाई करते रहे और अभी हम शुरू करते हैं। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस। देखिए, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, ये उन एक्शन की बात करता है। यूज टू टॉक अबाउट द एक्शंस, उन प्रतिक्रियाओं की बात करता है दैट विल जो कमेंस एट अ फिक्स टाइम इन फ्यूचर, जो कि होंगी एक फिक्स टाइम में फ्यूचर के एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, और फिर कंटिन्यू होंगी मतलब चलती रहेंगी कुछ टाइम के लिए फ्यूचर में ही, ठीक है? इट इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल, जो कि होंगे, ये उन एक्शन की बात करता है जो कि फ्यूचर में होंगे, शुरू होंगे और फ्यूचर में ही चलते रहेंगे, ठीक है? कमेंस एट अ फिक्स टाइम इन फ्यूचर मतलब कि वो शुरू होंगे एक फिक्स टाइम के फ्यूचर में एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर। हमें ये चीज समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे तरीके से? इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछे, ठीक है? तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, सबने देखी होगी ये पिक्चर मैंने प्यार किया, सॉरी बट मैंने नहीं देखी, तो मैंने इसका एक उठा लिया क्योंकि मुझे चिट्ठी याद आ गई थी। तो लेट्स डू समथिंग अबाउट दिस। क्या करेंगे हम, इनके पहले प्यार की पहली चिट्ठी भेजी है इन्होंने, तो ये जो चिट्ठी है इट इज अ लेटर, ठीक है? तो लेटर किसने लिखा है, हमारी ये इन दीदी ने लिखा है। पता नहीं इन दीदी का क्या नाम है, जिनको इन दीदी का नाम पता है कमेंट करके बताएं क्या नाम है इन दीदी का। तो इन दीदी का नाम हम रख लेते हैं पायल, ठीक है? तो पायल, आई एम सो सॉरी अगर आज ज्यादा मैं खांसू तो माफ कर देना क्योंकि आपको पता है फ्लू तो चल ही रहा है। तो चलिए देखिए, इन दीदी को देखिए, ये दीदी ने लेटर लिखा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये अगर लेटर लिख रही हैं फ्यूचर में, फ्यूचर में कब, फ्यूचर में, अगर ये लेटर फ्यूचर में लिख रही हैं और इनकी लिखावट फ्यूचर के ही किसी टाइम में चल रही है, तो हम यहाँ पे इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। देखो, तो ये बोल रही है कबूतर जा जा, मैंने बस यही गाना सुना है, आपने भी करा होगा ना जब स्कूल में वो खेलते हैं हम अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, है ना? तो तब जब जिसमें का आता है तो वो बोलता था कबूतर जा जा जा, है ना? तो चलो आ जाते हैं पॉइंट पे। तो देखो बेटा, यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि ये दीदी फ्यूचर में, फ्यूचर मतलब आने वाले कल में, तो ये दीदी आने वाले कल में ही लेटर लिख रही है और वो आने वाले टाइम में ही वो चीज हो रही है। वो चीज लेटर लिखना उन्होंने आने वाले टाइम में ही जस्ट शुरू किया है और वो चीज अभी भी उस आने वाले टाइम में चल रही है। तो चलिए हम इसका सेंटेंस लिखते हैं, हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दोबारा हम देख लें, अभी अच्छे से समझ में आएगा। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस, ये उन एक्शन की बात कर रहा है। चलिए लिखे हम कौन सा एक्शन कर रही है दीदी, क्या कर रही है दीदी, दीदी ने लेटर को क्या किया, क्या किया, लेटर में आप क्या करते हो, लिखते हो, दीदी ने लेटर लिखा तो लेटर लिखा, तो लेटर लिखा तो उनका एक्शन क्या होगा, लेटर को लिखना, तो लेटर को लिखना, लिखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट, ठीक है? तो इन्होंने लिखा, दैट विल कमेंस एट अ फिक्स टाइम, जो कि शुरू हुआ एक फिक्स टाइम में, मानो कि उन्होंने एक फिक्स टाइम, फिक्स टाइम मतलब एक सटीक टाइम पे, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं
2 बजे पढ़ा रही हूँ, तो मैं करेक्ट 2 बजे पढ़ा रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे भी ये फिक्स टाइम का यही मतलब है, एक फिक्स टाइम पे उन्होंने वो एक्शन शुरू किया। कब शुरू किया? फ्यूचर में। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर क्या होता है? आने वाला कल, आने वाला कल। एंड विल, और जो कंटिन्यू हो रहा है, क्या कंटिन्यू हो रहा है? कंटिन्यू मतलब अभी भी, लगातार चल रहा है। अभी भी मतलब नहीं, अभी का मतलब अभी नहीं, फ्यूचर वाले अभी में, ओके। डोरेमोन की तरह हम टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जा रहे हैं, ठीक है। लगातार, लगातार फ्यूचर, कंटिन्यू मतलब, तो वो चीज लगातार हो रही है फ्यूचर में, ठीक है। देखिए, तो वो लिख रही है और उनका जो लिखना है वो फ्यूचर में ही शुरू हुआ है और फ्यूचर में ही चल रहा है। ना हम पिछले कल की बात कर रहे हैं, ना हम अभी की बात कर रहे हैं, हम आने वाले कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, आराम से, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए ये, ठीक है। तो अब देखिए, दीदी क्या कर रही है? लेटर लिख रही है। तो अगर हम बोलेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया? लेटर लिख कौन रहा है? ये दीदी। इन दीदी को हम क्या बोलेंगे, क्या प्रोनाउन यूज करेंगे इनके लिए? शी। शी क्यों बेटा? शी लड़कियों के लिए होता है, ही लड़कियों, लड़कों के लिए होता है, ठीक है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है पूछेंगे कुछ लोग, तो प्रोनाउन वो होता है, जैसे कि मेरा नाम है प्रियंका, ओके। अगर मैं बोलूंगी, अगर मुझे कोई बोलेगा कि प्रियंका यू शुड टीच वेल, कि प्रियंका आपको अच्छे से पढ़ाना चाहिए, या कोई बोलेगा प्रियंका ड्रिंक द वॉटर, तो बार बार प्रियंका प्रियंका सही नहीं लगता, इसीलिए उसकी जगह हम लगा देते हैं वह। वह पढ़ाती है, वह पानी पीती है, तो ये सब वह वह की जगह क्या लग जाता है? शी। बोलेंगे शी ड्रिंक्स वॉटर, या फिर शी इज डूइंग समथिंग ऑन एंड ऑल दैट, ठीक है। तो आप यहाँ पे शी इसलिए यूज करते हैं, जो नाउन की रिप्लेसमेंट में एक वर्ड आता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। आपको इस पे भी डिटेल मिलेगी, बट ऊपर ऊपर से क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तो मैंने बता दिया क्योंकि इसमें जरूरत है। तो शी, शी कौन है? ये लड़की। तो अब देखिए, ये जो लड़की है ये शी है और यही लिख रही है, तो सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट जो होता है हमारा, डूअर ऑफ द एक्शन होता है। डूअर ऑफ द एक्शन मतलब जो वो एक्शन कर रहा है, वो होता है ना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन कर रहा है, जो टाइगर श्रॉफ है, वो है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गई ये दीदी, क्योंकि ये दीदी कर क्या रही है? ये दीदी क्या कर रही है? क्या ये दीदी खत लिख रही है? तो ये दीदी लिख रही है तो लिख रही है, तो हम बोलेंगे कि वर्ब क्या हुआ? वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब होता है कुछ काम। तो ये दीदी क्या काम कर रही है? बताओ, बताओ क्या काम, बताओ क्या काम कर रही है? लिखने का काम कर रही है। तो लिखना हो गया राइट, ओके। अब वर्ब की ना 3 फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, थर्ड फ्यूचर, ओके। तो हम लिख ले राइट, सेकंड होती है रोट, और थर्ड होती है रिटन। आई एम सॉरी, इसके लिए बार बार माइक में खांसना पड़ रहा है, क्या करें। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, प्लीज लिसन टू माई वीडियो एंड प्लीज इसको देखें, और कुछ नहीं पसंद आता, कुछ पसंद आता है कृपया हमें बताएं, क्वेश्चन पूछें। अच्छा स्टूडेंट कौन होता है जो क्वेश्चन पूछता है, और एक अच्छा टीचर कौन होता है जो क्वेश्चन पूछवा लेता है और जवाब भी देता है। तो प्लीज क्वेश्चन पूछवाने का मौका दो, मतलब कि क्वेश्चन पूछो हमसे, तभी तो जवाब देंगे हम। समझते ही नहीं हो आप लोग तो। राइट, रोट, रिटन हो गया। अब देखें हम ऑब्जेक्ट क्या है। अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रही है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। तो बेटा पहले वाली वीडियो तो देख के आओ, तभी तो पता चलेगा कि इस्तेमाल होता है इसमें। आपकी इतनी सारी स्टेयर्स है, आप सीधा 6ठी स्टेयर्स में जंप कर जाओगे? नहीं ना, आप पहले फर्स्ट में चढ़ोगे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिफ्थ में, ना सिक्स में,
एकदम से नहीं चढ़ जाते। लाइफ लेसन प्रियंका दीदी का ले लिया करो। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखो बेटा, उसने लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा उसने, उसने लिखा लेटर, लेटर चिट्ठी। उसने किसके ऊपर एक्शन किया, चिट्ठी के ऊपर, उसने चिट्ठी को लिखा। तो बेटा जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है वो होता है सब्जेक्ट, जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है मतलब जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है। अगर मुझे ऐसे कोई मार रहा है तो मैं पिट रही हूं और मैं क्या हो गई, फिर ऑब्जेक्ट हो गई, और जो मार रहा है, जो एक्शन कर रहा है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। और जो मारना, जो एक्शन हुआ, कौन सा एक्शन हुआ, फाइट या फिर पंच, या फिर यहाँ कौन सा एक्शन हुआ, राइट, तो ये क्या हो गया, वर्ब। और वर्ब की तीन फॉर्म होती है जो मैंने लिख दी। तो यहाँ देखो सबसे आसान हो गया, सब्जेक्ट आपको बता दिया है, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बता दी है, ऑब्जेक्ट बता दिया है, बस आपको यहाँ पुट करना है। तो पुट करिए, आइए मेरे साथ लिखिए, शी विल या शैल, हमेशा विल लगेगा। अभी तक की हम जितने भी वीडियो करेंगे उसमें विल लगेगा, मतलब अभी की वीडियो में विल लगेगा। क्यों? क्योंकि शी के साथ हमेशा विल लगता है। आई और वी के साथ शैल लगता है, और शी ही और वगैरह के साथ लगता है विल। तो ये ध्यान रखें। इसके बाद देखो, मैं भी आपको इसमें ऊपर ऊपर से बताऊंगी, क्यों, क्योंकि ये वीडियो लेंदी ना हो, ठीक है। हम किसी भी कंसेप्ट को ऊपर ऊपर से पढ़ नहीं पढ़ने वाले, हम डीप में जाके पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को डीप में नहीं समझते, क्या लिया हमने एजुकेशन, जब तक हमने डीप में नहीं पढ़ा। तो इसीलिए हम इसका भी डीप में वीडियो बना देंगे, पर आप पूछो तो, आप लोग पूछते ही नहीं हो तो कैसे बनाएंगे। तो शी विल, विल लगाओ, शी विल हैव बीन, शी विल हैव बीन, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट है, तो राइट, आई एन जी लगाना है ना साथ में, तो हो गया राइटिंग। शी विल हैव बीन राइटिंग, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो, अ ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, तो आ गया लेटर। शी विल हैव बीन राइटिंग लेटर, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे करो। अब नेगेटिव पे आ जाते हैं, नेगेटिव भी आसान है। सब्जेक्ट बताओ वहां से, शी है सब्जेक्ट, विल लगाएंगे हम, ठीक है, नॉट हैव बीन लगा देंगे, नॉट हैव बीन। कुछ बच्चे पूछेंगे नॉट क्यों लगाया, तो ध्यान से सुनिए, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, नकारात्मक मतलब कोई भी चीज में नॉट लगा दो तो वो नकारात्मक सेंटेंस बन जाता है। कितनी बार सिखानी पड़ेगी एक ही चीज, हाँ, पूछते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो बात को, कैसे चलेगा ये। She will not have been, verb की first form, write plus ing, तो writing, object क्या है, a letter, समझे, she will not have been writing a letter, ठीक है। Sorry if I am losing my energy today, और मैं आपसे थोड़ा दब के बात कर रही हूँ, जोक्स भी आज तो जोक्स भी याद नहीं आ रहे, क्या जोक मारूंगी, अरे क्या जोक मारेगी रे तू, ठीक है। हो गया ये हमारा, ये हो गया, ये हो गया, सॉरी फॉर माय राइटिंग, कंसेप्ट समझने से मतलब है, कंसेप्ट समझो, आगे बढ़ो। बहुत ही बेसिक चीज कर रहे हैं हम तो, अभी तो एक लेवल ऊपर भी नहीं गए, बहुत बेसिक चीज है ताकि सबको समझ आए अच्छे से, ओके। सब्जेक्ट कौन होता है, बोलो मेरे साथ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो एक्शन रिसीव करता है। क्यों हिल रही हो इतना, देखो ध्यान से सुनो, सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन करता है, टाइगर श्रॉफ की तरह, एक्शन मतलब कोई जो काम कर रहा होता है वो होता है सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट वो जो काम रिसीव कर रहा होता है, जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो वर्ब होता है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब काम, हजार बार बताया, और काम जो हो रहा होता है वो होता है वर्ब,
ठीक है, वर्ब की तीन फॉर्म होती है, वो तो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। हम वर्ब पे भी अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है, आने वाली वीडियो वर्ब पे ही बनेगी। तो इतना हो गया हमारा, चलिए आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। दीदी इंटरोगेटिव क्या होता है? तो बेटा इंटरोगेटिव होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न, और प्रश्न का मतलब तो आपको पता ही होगा। क्या दीदी पागल हो गई है जो ऐसे बात कर रही है? नहीं मैं पागल नहीं हुई हूँ, मुझे बस गुस्सा आ रहा है तुम लोगों पे कि मैं इतनी वीडियो से बताती आ रही हूँ कि इंटरोगेटिव का मतलब जहां पे इंटरोगेटिव आए वहां पे क्वेश्चन है, पर आप लोग सुन ही नहीं रहे हो, एक वीडियो पे लगातार जंप करोगे तो कैसे पता चलेगा। तो इंटरोगेटिव मतलब बेटा होता है क्वेश्चन, इंटरोगेशन बोलते है ना, इंटरोगेशन में भेज दिया गया उसे जेल के बाद, तो वो हो जाता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वही होता है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके और डिटेल में पढ़ना है इसको? क्या और डिटेल में पढ़ाऊं? इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। जैसे कि हो गया क्या तुमने खाना खाया, तो क्या हो गया ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चन पूछा। ओके तो यहां से शुरू करें हम, पहले लिख लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या था। सब्जेक्ट क्या था हमारा? वो दीदी, उन दीदी को हमने बोला था, उनके लिए प्रोनाउन यूज किया था शी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? उन्होंने लिखा क्या था? लेटर, लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। और क्या किया था उन्होंने लेटर के साथ? क्या किया था? नहीं पता क्या किया था लेटर के साथ? क्या करते हो लोग? लिखते हैं, राइट। अब वो आपकी तीन फॉर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहली हो गई राइट, देन हो गई रोट, और देन हो गई क्या बोलो? रिटन, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसमें से देख देख के आप मुझे बताना कि मैं क्या पुट करूं। तो यहाँ क्या पुट करूंगी, विल या शैल? विल, क्योंकि दीदी विल क्यों पुट कर रही हो आप? क्योंकि बेटा सब्जेक्ट कौन है? शी, शी के साथ विल लगता है। ओके तो विल सब्जेक्ट कौन है? शी, देखो उधर, विल शी हैव बीन हो गया। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलो, राइट, राइट आई एन जी लगा दो, राइटिंग क्या? ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर बोलेंगे दीदी अ क्यों लगाया? क्वेश्चन मार्क लगा, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क लगाओगे। ओके तो ए लेटर हमने क्यों लिखा? अ लेटर, ये हमने ए एन द क्यों यूज होता है, इसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। ए एन द क्यों यूज होता है, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे ए अ क्यों यूज किया यहाँ पे? क्योंकि उसने कोई लेटर लिखा है। क्या हमें पता है कि उसने लेटर, हमें एग्जैक्टली पता है उसने क्या लेटर लिखा है? देखिए जब हमें कोई चीज कोई चीज दुनिया में पूरी एक ही होती है ना, ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, डिटेल में हम दूसरा देखेंगे, ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए अगर यूज कर रहे हो तो, ठीक है, छोटी छोटी माइनर नॉलेज भी होनी चाहिए। द होता है जब हम किसी पर्टिकुलरली, वो दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जब उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तब हम द यूज करते हैं। एंड तब हम यूज करते हैं जब जो हमारा वर्ड हो वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा होता है। वॉवल, वॉवल कितने होते हैं? अब ये मत पूछना कि वॉवल कितने होते हैं, वॉवल सिर्फ पांच होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे होते हैं उन पे हम एन यूज कर रहे होते हैं, और जो मतलब ए ई आई ओ यू से भी स्टार्ट नहीं हो रहे होते और दुनिया में एक ही वो नहीं होते उन पे हम ए यूज करते हैं। तो क्या ये दुनिया में पूरा एक है? ये लेटर दुनिया में सिर्फ एक ही है? नहीं, बहुत सारे लेटर होते हैं। एन, एन क्या है? क्या ये वॉवल से शुरू हो रहा है? क्या एल एक वॉवल है? नहीं, एल एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट होते हैं ए टू जेड, ए ई आई ओ यू को छोड़ के, ठीक है। तो चलो
समझ आ गया, तो ये हमारा सेंटेंस मिल गया, विल शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, मतलब फ्यूचर में क्या, फ्यूचर में वो काम शुरू हुआ था और फ्यूचर में ही चल रहा है, ठीक है, फ्यूचर में वो लेटर लिखना शुरू की थी और वो काम फ्यूचर में भी अभी भी चल रहा है। तो अब इसका ही नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव मतलब नॉट लगा दो, नकारात्मक हो जाएगा। बहुत जल्दी करेंगे इसको, लाइट की स्पीड से। दीदी साइंस भी पढ़ाती हो? अरे हाँ, हम इसको लाइट की स्पीड से करेंगे और फिर साइंस पढ़ने पहुंच जाएंगे। विल, सब्जेक्ट कौन है? शी। विल शी, अब जल्दी जल्दी बताइए, नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन। नेक्स्ट बताओ, नॉट हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दीदी राइट है, वेरी गुड, राइट। अब आई एन जी लगाओगे, आई एन जी लगाया, राइटिंग, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर, अ लेटर, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, हो गया खत्म। विल शी नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर? ओके, समझ आया? इसको लिख लो अगर जिसको लिखना है तो, बट मैं प्रेफर करूंगी कि बच्चे मेरे साथ साथ ही लिखे। कोई सब्जेक्ट होते हैं जिसमें साथ साथ में नहीं लिखना होता है, बट जब यहाँ जहां साथ में लिखने की जरूरत पड़े, क्योंकि जब लिखते हैं तो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो आपको साथ में लिखना चाहिए, ठीक है ना। साथ में लिखते लिखते ही आपको पता चलता है ना आप कहाँ गलती कर रहे हो, लिखा करो, ठीक है। तो इन दीदी की खूबसूरत शक्ल के साथ हम हमारा आज का वीडियो खत्म करते हैं। तब तक के लिए डे बाय डे क्लासेस को देखते रहे और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, मजे करते रहे, पढ़ते रहे, और सब्सक्राइब कर देना। बाय।